के दे दे मुझे मौसी, मैं जोड़े में नहीं कफन में लपेटी जाती है। रितु की बेटी का जनाजा है आज। अगर हमने सरकार को यकीन नहीं दिलाया कि जुलेखा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा तो हमें सरकार जुलेखा वापस नहीं करेंगे। तो मेरा शक ठीक निकला, जुलेखा माड़ी में ही है। सलाम सरकार, बैठ जाइए। हाँ दित्तु, क्या सोच रहा है? सरकार क्या चाहता है? जब देखो दौड़े दौड़े पड़ोसियों के घर चली जाती है। बचपन से साथ रहे, बड़े हुए, मास्टर को ठीक से मालूम है असलम की चाकी तार का। जुलेखा मुझे दे दे मास्टर, रानी बनाकर रखूंगा इसे। सरकार मैं असलम को चाकू हटा दे, ले आए कि बेटा मेरा बुलाने के लिए सारा तुझे कुछ रुपए पर माफ कर दे असलम को। चला दे असलम, इंतजार किस चीज का कर रहा है? अम्मा चला दे छोरा इस पर। मां छोड़ दे, मां छोड़ दे, मैं इसको लेके गाँव से बहुत दूर चली जाऊंगी, वापस कभी नहीं आऊंगी। अम्मा सुलेखा, सिकंदर और सुलेखा को अल्ताफ की बाइक में जाते हुए देखा। सुलेखा को आज मैं चांद से मार दूंगा। पकड़ो इसे। तेरी जरूरत कैसे हुई सरकार की कचहरी में खड़े होकर इंसाफ अपने हाथ में लेने की? बोल, तू करेगा इंसाफ? तू करेगा? ले जा से यहां से। सरकार इसे माफ कर दे, इस नीच को, आपको रब का वास्ता। गरम खून है सरकार। तू जानता है माड़ी की तारीख की पहली बेअदबी की मिसाल है ये। यहां जोश की नहीं होश की जरूरत है। होना तो ये चाहिए था कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाती ताकि आइंदा ये ऐसी गुस्ताखी करने की जुर्रत ना करता।
लेकिन हम बेअदबी को मिसाल नहीं बनाना चाहते, इसलिए इसकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर देते हैं सर। तुम्हारी ये लड़की हमारे पास अमानत है, जब तक तुम हमें ये यकीन नहीं दिला देते कि यहां से जाने के बाद ये महफूज रहेगी, इसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, तब तक ये यहीं हमारे पास माड़ी में रहेगी। अच्छी तरह सोच ले और सोचकर हमें अपना फैसला सुना। भाग भरी, ले जाओ इसे अंदर। उसकी आंखें देखी थी तुमने शायद, तो बस सुर्ख अंगारा मर्द का बच्चा था, लगता है तेरे दिल में बैठ गया वो, है ना? तो बे तू तो बात को पकड़ कर ही बैठ जाती है। वैसे तो का ना हौसला है, वैसे इस जैसी कुड़ी को तो काट के दरिया में फेंक देना चाहिए। अपने घर वालों को तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। चाची तो ठीक है वैसे तू शादो। अच्छा पागल हो गया क्या? अच्छा मेरे लोगों मेरा मुंडा शैतानी हो गया। अरे असलम होश कर, असलम क्या झल्ला हो गया? झल्ला नहीं हुआ अब्बा, होश में आ गया हूँ। ये सारी जिल्लत तेरी वजह से हुई है, सिर्फ तेरी वजह से। आज हम में से कोई एक रहेगा, तू या मैं। वो खुद को ठंडा कर भा, क्या हो गया तुझको? अगर चाचा के साथ ऐसा, अगर चाचा को कुछ हो गया ना तो नया सैपा पै जाएगा। अच्छू अच्छू तुम्हें रब का वास्ता है, छोड़ दे अपने अब्बे को। अगर तेरा अब्बा मर गया ना, सारे कुंभे ने कहना है खुशी इतने बर्बाद दिता है। छोड़ दे अपने अब्बे को, तुझे रब का वास्ता है। पहले तो मेरे मना करने के बावजूद तूने उस बैरत को स्कूल कॉलेज जाने दिया, मैं चीखता रहा लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। उसके बाद मैंने कहा अपनी लाडली पर नजर रख, पर तूने उसे खुली छूट दे दी। वो अपने यार से मिलती रही और तू सिराने बाजू लगा के सोता रहा। तू अब भी सो रहा है अब्बा, तेरी मुझे जागने नहीं देती। लेकिन मैं जाग गया हूँ, देख इन आंखों में कहीं नींद दिखाई देती है? और ये आंखें उस वक्त तक नहीं सोएंगी जब तक तेरी लाडो अपनी कब्र में ना उतर जाए। और ये होकर रहेगा, इसी भूल में ना रहना। सुलेखा,
زلیخا پانی پی لو پانی پیلو بیٹا میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے غلاظت کے ڈھیر سے اٹھتی ہوئی اس ناچیز کی آواز سے اور اسے قبول کیا. بڑے دن سے سوچ رہی تھی کہ تیرے در پہ آنا ہے، لیکن ڈرتی تھی کہ کس منہ سے آؤں. پھر سوچا کہ آج نہیں تو کل تیرے پاس ہی تو آنا، تو کر لیا. وہ جاگ گیا ہے، اسے ہوش آ گیا ہے. جاگ گیا ہے، کسی طرح اسے پورا ٹھیک کر دے. اس کے دل میں ایک آگ ہے، اس سے پہلے کہ وہ آگ اس کے پورے وجود کو جلا دے، تو اس کو اس کی زندگی کی روشنی بنا دے. اپنے لیے کیا مانگوں میں میرے مال، میں تو کب کی اپنوں سے توڑ دی گئی. دکان پہ رکھے تھان کی طرح دنیا کی طرف موڑ دی گئی. سوکھے ہوئے پتے کی طرح ہوا جہاں لے کر جاتی ہے میں چلی جاتی. ابھی تیری مرضی ہے کہ تو اس ہوا کے ہاتھوں میرا نصیب لکھ دے، یا پھر مجھے رہا کر دے. میرے مال، کسی اور زمین پہ اپنی رحمت کے پانی سے ہرا کر دے مجھے. اجنبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی مال، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا. لیکن وہ ایک نام جو اس کے منہ سے چھوٹتا ہی نہیں ہے، سب بتا کے اور میرے لیے یہ اہم بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا. تو تیرا بندہ، تو نے میرے دروازے تک پہنچایا ہے، تو سب جانتا ہے، دلوں کے حال، گزرا ہوا کر. بس جو تیری مرضی ہے کر. چکبور کیسی ہے؟ Thank you.
बिटिया मुबारक, होश आ गया। शुक्रिया। अभी आप अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल नहीं हैं। ये क्या जगह है? कब से हूं मैं यहाँ पर? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? ये मेरा घर है और आप इस कमरे में पिछले 4 दिन से हैं। मेरे घर की सीढ़ियों तक आप खुद आए थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी चौखट किसी की आखिरी मंजिल साबित हो। हाँ, गोली लगी थी मुझे। निकाल ली गई, जख्म भी भरना शुरू हो गया, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं भरा जनाब। सिकंदर, सिकंदर रागी, आप यहाँ क्या करती हैं? जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी चौखट किसी की आखिरी मंजिल साबित, बदनामी हो जाए करती। देखिए, मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, मुनासिब नहीं है मैं यहाँ रुकूं। अजीब बात, यहाँ तो लोगों को आने की जल्दी होती है पर आपको जाने की? आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत एहसान मंद हूँ आपका। आपने मुझे यहाँ रखा और यकीन मेरा बहुत ख्याल भी रखा होगा, लेकिन मेरा वापस जाना जरूरी। कोई मेरा इंतजार कर, मुझे उसके लिए बहुत कुछ करना। इस हाल में तो आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते, 2-4 दिन और सही। आप समझ नहीं रहे हैं। रागी, रागी, आंटी जान, ये सिकंदर अली हैं और ये मेरी आंटी जान है, और मुझसे पहले जो कमरे में मौजूद थे वो उस्ताद जी। क्या हाल है भाई तेरे? सबसे झगड़ा मोल लेके तुझे यहाँ रखा है। उस दिन नीचे छोड़ दिया होता तो आज तीजा होता तेरा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। शुक्रिया तो तू रागी का अदा कर। हाँ, अपना पता ठिकाना बता दे, तुझे भिजवाने का बंदोबस्त कर देती हूँ। जी आंटी जान, वो ही पता कर रही हूँ। चल ठीक है, तू आके जोड़े देख, दर्जी देख गया। जी अभी आए। इतना घबराई है मत, इत्मीनान रख के मैं बस जोड़े देखा हूँ, वरना आंटी जान नाराज हो जाएंगे। और फिर आपकी कहानी भी तो सुननी है।
जब मैं इन लोगों को अपने पीछे लगाऊंगा तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। मौका मिलते ही मैं तेरे पास आ जाऊंगा तुझसे मिलने के लिए। हाँ तू मेरी फिक्र क्यों कर रही है? मैं मुझे कुछ नहीं होगा। तू जिएगी ना तो मैं भी जिंदा रहूंगा। जा चली जा तुझे मेरी कसम है जा। हिफाजत ना कर मेरी बहुत कई सामान कर दे। ये लोग तो मुझे मरने भी नहीं दे रहे। ना टूटना नहीं क्या देख रही है मुझे? जा अपने काम से लग। कुलसुम बीबी के चोर को ढूंढ लिया है। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है ताजो? कितनी मासूम है ना हमारी कुलसुम बीबी। चोर को घर में छुपाए बैठी है। हाँ है उल्टा उन्होंने तो चोर को खजाने के पहरे पे बिठाया हुआ है। जो मुंह में आए भक्ति रहती है। कुछ तो सोचकर बोला कर। अगर किसी ने सुन लिया तो सुन ले मुझे क्या। ध्यान से जाना हिबा कहीं चाय ना गिर जाए। कुलसुम बीबी आज बहुत गुस्से में है। अच्छा चाचा चाचा बख्शा मैं अभी आई। अच्छा हाय ये तो बड़ी गजब का है। गजब ही ना ढा देखे अब इसके बगैर काम भी तो नहीं चले। क्या बात कुछ हुआ है? क्या मतलब आंटी जान तेरे तो अंदाज ही बदले हुए। उसे होश आ गया है अब जरा तू भी होश में आ जा। वहम हो गया है आपको गलत समझ रही है ऐसी कोई बात नहीं। घाट घाट का पानी पिया है मैंने। मेरी आंखों में धूल झोंकने से पहले जरा सोच ले। क्या हो गया है आंटी जान? मुझ पे यकीन नहीं है तो अकरम जी से पूछ लीजिए कि मैं क्यों खुश हूं। अकरम? हाँ भी गई थी ना मैं चौधरी साहब के पास खाने से। उन्होंने तो एडवांस का चेक भी दे दिया। टूर पक्का है? चेक? लेकिन
अकरम ने तो मुझसे किसी चेक का जिक्र नहीं किया। चल चल ठीक है, ये बता तुझे जोड़े कैसे लगे? बहुत शानदार। लेकिन राजू, तूने वो वाला जोड़ा क्यों नहीं सिलवाया जिसके तुझे 16,000 भी बड़े कम लग रहे थे? वो जोड़ा तो किसी खास मौके के लिए आंटी जान, इस जगह के लिए नहीं। समझी, वो तो दुबई जाके पहने। चौधरी साहब और हाँ ये देख, सलाम हवलदार साहब। हाँ भाईजान, लगता है बाहर से आए हो, लगता है रास्ता भूलकर इधर तक आ गए हो। नहीं हवलदार साहब, हम लोग तो इसी इलाके के हैं, हमें तो थानेदार साहब से मिलना है। और क्या कहा, किससे मिलना है? थानेदार साहब से। अच्छा, थानेदार साहब से मिलना है ना, क्यों? रिपोर्ट लिखवानी है। अच्छा, रिपोर्ट लिखवानी है ना, किसके खिलाफ? सुल्तान सरकार। क्या कहा? सुल्तान सरकार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी। तेरा दिमाग ठीक है? तुझे पता भी है तो क्या कह रहा है? आज तक कोई कमी कमी नहीं आया इस थाने में रिपोर्ट लिखवाने की। ये थाना तो अफसरों की जन्नत है, न काम न काज, नहीं मौज ही मौज, बस घर बैठे तनख्वाह लेते। पहली दफा तख्त सुल्तान से इस थाने में कोई आया है, क्योंकि सारे फैसले सुल्तान सरकार खुद करते हैं, और तू कह रहा है कि रिपोर्ट उनके खिलाफ लिखवानी है। थानेदार साहब, हम लोग अपनी जान हथेली पर रखकर आए, मुझे मेरी मांग चाहिए, जो माणी में कह दे। माड़ी में कैद? हाँ जी, सरकार ने कब्जा जमा लिया, कहता जाने नहीं देगा, जो करना है कर लो। जी हम गरीब जरूर हैं, पर बेगैरत नहीं है, इज्जत के लिए कुछ भी कर जाएंगे। अगर वो यहाँ से नहीं गया तो मैं सब कुछ अकरम को बता दूँ, फिर सिकंदर अली के दुश्मनों का ख्वाब अकरम पूरा करे। मतलब साहब, इस माड़ी में आपसे ज्यादा खैर खान है। अच्छा, बहुत अच्छा, आज देखता हूँ तुझे कौन बचाता मेरे हाथों से। चुप सरकार, अभी तो शुरुआत हुई है, बस तो उस दिन होगी जिस दिन तुझे माड़ी से बाहर वहां पहुंचा दिया जाएगा जहां से तू कभी वापस ना आए। सरकार! अरे सरकार चले गए शहर, सरकार है। चल निकल।